हम सब की इच्छा है कि जिसने भी अपराध किया, भले वो नाबालिग बच्चा ही क्यों ना हो, दसवीं पढ़ने वाला, पर उसको निश्चित रूप से इसकी दंड मिले और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न घटे। एक स्कूल विद्यार्थी जो क्लास में 3 साल से 7 पढ़ रहे हों, वो इस सीमा तक चले जाए, इस प्रकार के संस्कार जो है ना नहीं होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हुआ है। मैं सोचता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार का रिपीटेशन नहीं हो, हिसाब से ऐसी कार्रवाई की। जब ये घटना हुई आप मिलने के लिए आए थे घायल छात्र से, परिवार से मिला था, मिले थे आप? जितना भी इलाज करा सकते थे, जयपुर से डॉक्टर को टीम मंगा करके भी किया, हमारे यहाँ भी 5-5 मेडिकल कॉलेज हैं, उन सबके भी स्टाफ को लगाया, लेकिन सब प्रयत्न करने के बाद भी बच्चे को हम बचा नहीं पाए। उदयपुर में आप, क्योंकि उसका ब्लड जो है ना बहुत अधिक बह चुका था जी, और जब तक वो पहुंचा था मेन आर्टरी होने के कारण से, और वो फिर जैसे ही लगने के बाद वो इधर उधर दौड़ा, उसके कारण से भी ब्लड लॉस बहुत हो गया, तो वो तो आधा घंटा कोशिश करने बाद तो रिवाइव किया, उसको तो सारी जा चुका था बॉडी का ही। बिल्कुल, इस दुख की घड़ी में परिवार को ढांढस बंधाने के लिए आप तो आएंगे उदयपुर एक बार फिर? मैं तो हूँ, उदयपुर ही हूँ जी, मैं तो परिवार से मिला भी हूँ और परिवार से दोबारा भी मिलूंगा, मैं तो यही उदयपुर में ही हूँ। बिल्कुल, और सर एक चीज और, पुलिस और पूरी तरह से प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है, और जैसा हमने आपके जरिए अपील भी कराई, आपने भी कहा कि इस वक्त सभी को परिवार के साथ ढांढस बंधाना चाहिए, साथ रहना चाहिए और बिल्कुल अमन चैन बने रहना चाहिए, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। त्योहार का दिन है, सारे लोग आज बाजार में है, माताएं बहने भी एक तरह से बाजार में है, और इसलिए उसकी शांति अमन चैन को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। स्कूल में इस तरह से ये हो जाता है 10वीं में पढ़ने वाले 14-15 साल के, ये स्कूल के लिए, समाज के लिए ये कैसा सबक है, हम कैसे सबक लें सर इससे, इस घटना से? दुर्भाग्य, पता नहीं संस्कारों में कहाँ कमी है कि एक छोटी सी बात पर इस सीमा तक जो है ना बच्चा जा सकता है। इस प्रकार के संस्कारों के बारे में जरूर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि पढ़ाई के साथ संस्कार भी मिले, इसमें प्राथमिकता रहनी चाहिए हम सब। हम बिल्कुल सही बात है, हम सिर्फ माता पिता स्कूल प्रबंधन को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, संस्कार भी बहुत अहम किरदार निभाते हैं, परिवार भी बहुत अहम किरदार निभाता है इसमें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल पंजाब एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़े, और उन्होंने हमसे बात करते हुए परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि हर संभव बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश की गई। मैं परिवार जनों से पहले भी मिला था और खुद मैंने हालचाल जाना था, एक बार फिर से मैं जाकर मुलाकात करूंगा, जो मुआवजा होगा वो दिया जाएगा, और संस्कारों की कमी कहीं ना कहीं है और ये हमारे लिए सबक है, इस तरह की घटना ना हो उसके लिए जरूरी है कि संस्कार सही तरीके से बच्चों में सौंपे जाएं, बच्चों तक दिए जाएं। कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कपिल, हमने राज्यपाल पंजाब गुलाबचंद कटारिया से बात की, वो उदयपुर से ही आते हैं और उदयपुर में इस वक्त वो मौजूद भी हैं, उनकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई, आपने भी सुना। पहले हम चाहेंगे कि इस वक्त कुछ और अपडेट आ रही हो, क्योंकि पहले तो एक आपने बताया कि फांसी की मांग की जा रही है, शव लेने से इनकार कर दिया है, पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है, तो अभी एक कुछ अपडेट दीजिए, फिर उसके बाद जो हमारी गुलाबचंद कटारिया जी से बात हुई उस बारे में अपनी बात रखिएगा। देखिए, यही समझाने का पुलिस और प्रशासन प्रयास कर रहा है बच्चे की मां को कि भारतीय कानून के तहत दंड देने की एक प्रक्रिया है और उसी प्रक्रिया के तहत किसी को भी उसके अपराध का दंड दिया जा सकता है। तो फिलहाल जो अब तक की जो कार्रवाइयां की गई है वो कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण रही है, जिसमें अपराधियों में डर पैदा हो, इस तरह की कार्रवाई उदयपुर में पहली बार की है। ना सिर्फ तुरंत जो गिरफ्तारियां हैं या डिटेन करने की जो कार्रवाई है वो की गई थी, बल्कि अपराधी का जो घर था उसे भी जमींदोज कर दिया गया था। एक बड़ा संदेश राज्य सरकार द्वारा देने की कोशिश की, और इस तरह की कार्रवाई संभवतः उदयपुर में पहली बार हुई है। देखिए, बड़ी जानकारी जो मिल रही है उसके अनुसार मेडिकल जुरिस्ट जो है, सीनियर मेडिकल जुरिस्ट, वो इस समय मोर्चरी में पहुंच गए हैं और पोस्टमार्टम की तैयारियां पूरी कर ली है। सिर्फ बताया जा रहा है कि जो समझाइश परिवार के सदस्यों के साथ में करनी है, वो समझाइश पूरी करने के बाद में तुरंत डेड बॉडी को मोर्चरी में लाया जाएगा। मोर्चरी में जो पोस्टमार्टम की जो फॉर्मेलिटीज है
वो तुरंत पूरी करते हुए आज ही बच्चे का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, आज ही अंतिम संस्कार कराया जाएगा ताकि किसी भी तरह की जो स्थितियां हैं वो ना बिगड़े। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, पूरे जाब्ते की मौजूदगी में बच्चे का अंतिम संस्कार कराने की जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। फिलहाल समझाइश जरूर की जा रही है क्योंकि बच्चे की मां में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है। अब क्योंकि उनका बच्चा, महज 15 साल का बच्चा, ये दुनिया छोड़कर चला गया है, तो निश्चित तौर पर उनका जो गम है, उनका जो गुस्सा है, वो जायज है और उसी को शांत करने की, उसी को समझाने की कोशिश की जा रही है कि प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, सख्त कार्रवाई करके सारे अपराधियों में संदेश देने की। बिल्कुल, इस वक्त गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम न्यूज 18 राजस्थान पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बहुत दुखद घटना जो हुई थी, चाहकर भी जान नहीं बच पाई छात्र की। देखिए, बहुत दुखद घटना है, हम सब लोग शोक संतप्त भी हैं जी। मैं तो सभी से अपील करना चाहूंगा जी, ऐसे दुख के समय पर सब लोग धैर्य से काम लें और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। देखने की बात यह है कि जैसे ही घटना हुई, घटना के बाद तुरंत पुलिस ने प्रशासन